32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया है। इस माह में जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस व शिक्षा विभाग ने मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिए जन जागृति का प्रयास किया। समापन समारोह से पूर्व सड़क सुरक्षा मेले को लेकर हुई गतिविधियों व प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट काम करने वाले युवाओं का सम्मान किया गया। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज अंतिम समापन का दिन है और आज हमने 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेला लगाया, उसका भी आज समापन और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का भी समापन। इस समापन में हमारा मुख्य जो है, जिन लोगों ने सड़क सुरक्षा के प्रति अग्रदूत बनकर एक जागरूकता का परिचय दिया, उन सब संस्थाओं को, मीडिया पार्टनर्स को, जितने भी बच्चे हैं, हमने पूरे ज़िले में ब्लॉक वाइज हमने सड़क सुरक्षा पर प्रतियोगिताएँ हर बुधवार को आयोजित की गई। 7 प्रतियोगिताएँ ब्लॉक स्तर पर आयोजित की गई, उन 7 प्रतियोगिताओं को ब्लॉक वाइज आज हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेला रखा, यहाँ 9 तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित की, उनमें भी प्रथम द्वितीय तृतीय आने वालों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत से हमारे शहर के बहुत अच्छे कलाकारों ने सड़क सुरक्षा पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई, उनको सम्मानित कर रहे हैं। जिन जिन सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सब विभागों के कार्मिक जिन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, उन सबको भी आज हम सम्मानित कर रहे हैं। ये अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया गया 2021 में। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन और एनजीओ इन सबके सहयोग से मनाया गया। इसमें मेन एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया ताकि लोगों को यातायात नियमों की जानकारी मिले और उनका खुद का सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन जागृत हो और वो यातायात नियमों को पालना करें। होता क्या है, लोग कहते हैं सब पुलिस और यातायात विभाग दोनों इसका यातायात नियमों को पालन करवाएं और उससे थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन हमारा ये उद्देश्य था और राज्य सरकार का पुलिस हेडक्वार्टर का निर्देश था कि पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते थे, अब के पूरा महीना ये मनाया गया है और इसमें विभिन्न ये प्रोग्राम किए गए हैं जिसमें जागरूकता लाना हमारा मेन उद्देश्य था।